इज मीना शर्मा हियर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जूट बैग पेंटिंग विद डिफरेंट टेक्निक, और साथ ही मैं आपको फैब्रिक बैग पेंटिंग भी सिखाऊंगी। जो हमारे हम घर पे बैग स्टिच करते हैं उन पे भी पेंटिंग सिखाऊंगी, और जो जूट बैग है उस पे मैं डिफरेंट टेक्निक यूज करने वाली हूँ, जिसे बोलते हैं डेकोपेज। इसमें हम स्पेशल मटेरियल परचेज नहीं करेंगे, जो हमारे पास घर में अवेलेबल है उसी मटेरियल को यूज करके अपने बैग को इतना यूनिक और डिफरेंट बनाएंगे। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए और अपने पुराने बैग्स को फिर से रीयूज करने के लिए चलिए सीखते हैं जूट बैग पेंटिंग विद न्यू टेक्निक। आज हम जूट बैग पेंटिंग करने वाले हैं, और इसमें मैं एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगी जिसका नेम है डेकोपेज। डेकोपेज यूज़ कर से के थ्रू अपना बैग पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इस तरह के प्रिंटेड टिश्यू पेपर्स होते हैं जो डेकोपेज में यूज़ होते हैं, तो इस तरह के आप कोई भी प्रिंट वाले डेकोपेज टिश्यू पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह का फ्लोरल प्रिंट वाला एक टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इसमें वर्क करना। तो सबसे पहले हम इस पर जिस तरह से फ्लावर अपने सेट करना चाहते हैं, जिस तरह से इसमें लेना चाहते हैं, उस तरह से उसको कट करेंगे। बट कभी भी हम टिश्यू पेपर को सीजर्स की हेल्प से कट नहीं करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम सिर्फ एक ब्रश को वाटर में डिप करें, और जिस तरह से हमें उसको कट करना है, जिस तरह से यूज़ करना है, वहाँ वहाँ हम उसको लगा दें। जिस तरह से मुझे ये वाला पोर्शन यूज़ करना है आज, तो मैं इसके फ्लावर्स को यहाँ से वेट ब्रश से, गीली ब्रश से इस तरह से कर दूँगी, जिससे कि ये हमें टेयर करने में इजी हो जाए। और टेयर इसलिए करते हैं, हम कट नहीं करते ताकि मिक्स हो जाता है उसकी स्किन के साथ, जो क्लोथ में हम यूज़ करने वाले उसमें इसको हम ईजीली मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं इसको टेयर कर रही हूँ, जहाँ से मुझे लेना था जितना, वहाँ वहाँ मैंने गिली ब्रश से उसको टेयर कर लिया इस तरीके से। अब अगर आप इसमें और फिनिशिंग देना चाहते हैं, इसमें से वाइट पोर्शन निकालना चाहते हैं, तो और फिनिशिंग से इसको कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको
थोड़ा सा और क्लोज से फिनिशिंग देना चाह रही हूँ, ये वाइट पोर्शन रिमूव करना चाह रही हूँ, तो इसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ओके, तो आप कभी भी टिश्यू पेपर को कट मत कीजिए, उसको सिर्फ गीली ब्रश से इस तरह से टैर कीजिए। अब हम इसमें अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये डबल लेयर्ड होता है, तो हम इसको पहले जो इसकी पतली लेयर होती है बैक साइड में उसको रिमूव करेंगे, और ये बहुत ही पतली लेयर होती है, इसको ईजिली रिमूव कीजिए। इसको आप जिस साइज़ में लेना चाहते हैं उतना साइड से मैंने इसको ट्रिम कर लिया है, और अब आप देख रहे हैं इसकी कितनी पतली लेयर है ये, और जिसको मैं ईजिली रिमूव कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसको बहुत डेलिकेट है, इसको बहुत आराम से हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेकोपेज की ग्लू आती है उसको यूज़ करेंगे, बट अगर हमारे पास डेकोपेज ग्लू नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने फेविकॉल का यूज़ करेंगे और उसमें वाटर मिक्स कर लेंगे। 1:1 के रेशियो में हम वाटर मिक्स करेंगे, जितना ग्लू होगा उतना ही वाटर मिक्स करेंगे, तो इसको भी हम एज अ डेकोपेज ग्लू की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसको लगाने के लिए यहाँ पे पहले यहाँ पे हल्का ग्लू लगा रही हूँ, और उसको फिर हमें टिश्यू पेपर को अपना पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना एरिया देख सकते हैं कहाँ तक हमारा वो आएगा, और उसी अकॉर्डिंग आप ग्लू लगा लीजिए इस पर। देखिए ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है, और अच्छे से मैंने इसको करने के बाद हम इसकी बॉर्डर्स पे भी करने के बाद इसको यहाँ पे सेट करेंगे। जितना एरिया हमारा है उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ मैंने सेट कर दिया, और एक ड्राई ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया ताकि रिंकल्स ना आए। जहाँ जहाँ हमारे पास ग्लू है इसमें पेस्ट होता जाएगा, और अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपनी फेविकॉल की ब्रश से ही इसको कवर करिए। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे एक सेट दे दिया है, इतना साइज़ मुझे चाहिए, और अब मैं इसको अपने इसी ब्रश से फेविकॉल की ब्रश से ऊपर से इसको पूरा पेस्ट कर रही हूँ अच्छे से। ये बिल्कुल इसके साथ आपको अच्छे से पेस्ट करना है, इसको मर्ज हो जाएगा ये। और अगर आपके पास बैग नहीं है, जूट बैग नहीं है, और आप चाहते हैं तो किसी और बैग पे भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आज आपको फैब्रिक पेंटिंग भी सिखाने वाली हूँ, फैब्रिक बैग के ऊपर जो पेंटिंग होती है वो भी बताऊँगी, तो जो हम जूट बैग पे भी करने वाले थे, बट इसके लिए मैंने एक न्यू टेक्निक यूज़ की है, और आपको जो जूट बैग पे पेंटिंग करनी थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप ये टेक्निक या यूज़ नहीं करना चाहते हैं या इसका मटीरियल नहीं है, तो आप किस तरह से उसको पेंटिंग के थ्रू कवर कर सकते हैं, अपने पुराने बैग को एक न्यू लुक दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और अब मैं इसको ऊपर की साइड से भी बाकी जो हमारे पास टिश्यू पेपर है कुछ गैप देके उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसमें फ्लावर्स रिमूव कर रही हूँ। ये वाले फ्लावर्स मैं यहाँ लगाना चाह रही हूँ इसमें इस तरीके से, तो इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी अपनी गीली ब्रश से। पहले मैं अपनी ब्रश लूँगी, वाटर में डिप करूँगी, और जिस तरह से फ्लावर्स मुझे चाहिए मैं वहाँ वहाँ से इसको रिमूव कर दूँगी, ये देखिए, और अब ये इजीली टेयर हो जाएगा। ये मैंने इसको ये यूज़ किया है मैंने इस तरह से, यहाँ पे मैंने इसको साइड से भी ट्रिम कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए उतना टिश्यू भी रिमूव कर लिया। अब इसको हम सिंगल लेयर में करेंगे, तो टेयर करने के बाद ये लेयर इजीली आपको दिख जाएगी, विजिबल हो जाएगी, और आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे, ये देखिए। और अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से, आप
कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जिस तरीके से आप इसको पेस्ट करना चाहें। अब मैं इसको अपने ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। ये हमारा हो गया यहाँ पे बेस, और अब हम अपना टिश्यू इस पे पेस्ट करेंगे। ओके, अब हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं। और अब हम अपने ग्लू वाली ब्रश से इसको पेस्ट कर लें। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है अच्छे से, और अब मैं ऊपर से इस पर ग्लू की एक लेयर लगा दूँगी। और अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कोई टिश्यू है तो ये वेट होने के बाद वैसे ही ईजीली निकल जाएगा, तो इसको हम एक्स्ट्रा को निकाल देंगे जहाँ हमने पहले से ग्लू नहीं लगाया। इस तरीके से ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, और अब हम इसको कुछ मिनट के लिए ड्राई कर लेंगे ताकि इसका बेस थोड़ा सा पेस्ट हो जाए अच्छे से। इसको मैं ड्राई करने के लिए छोड़ती हूँ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे इस पर। अब ये हमारा जूट बैग बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख रहे हो। अब हम इसमें अपनी पहले तो इनके कलर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, और जिस तरह से अगर मैं ऑरेंज के ऊपर अपना कलर यूज़ करूँगी तो उससे डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड कलर ले रही हूँ, और रेड कलर से हल्के हल्के इन फ्लावर्स को हाईलाइट करूँगी। अपने अकॉर्डिंग आप इनको कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे इनके पेटल्स को बॉर्डर दे रही हूँ हल्का, ताकि ये थोड़ा सा और डार्कर शेड में हाईलाइट हो जाए जिन मेन फ्लावर्स को आप चाहते हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए। इसमें आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं लीव्स के साथ, और अगर आप कोई और शेड चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो बिग फ्लावर्स हैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ, जिस तरह से आप चाहें उनको। ये मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है इनको। सभी फ्लावर्स सेम हैं तो उसमें से मैं कुछ फ्लावर्स को थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि वो अलग से दिखें, थोड़ा सा विजिबल हों, सब सेम ना लगे इसलिए। और आप चाहें तो एज इट इज़ भी इनको छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इनको हल्का हल्का हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 4-5 फ्लावर्स को थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया यहाँ पर, और जिससे कि अलग से दिख रहे हैं ये फ्लावर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हल्का ग्रीन और यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने पेटल्स बना दिए इनकी रेड से, इनकी जैसे आउटलाइन दे दी हो, इस तरीके से ये फ्लावर्स थोड़े से हाईलाइट हो गए। अब मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ हल्का ग्रीन इनकी कुछ लीव्स फ्लावर्स के पास वाली हाईलाइट करने के लिए, जिस तरह से यहाँ पर मैं ये इस तरीके से कुछ लीव्स बना रही हूँ। ये हो गया हमारा। और अब हम इसका जो सेंटर वाला पोर्शन बचा है उसको
शेडिंग करेंगे और इनके जो पॉइंट्स बचे हैं उनको मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग के लिए आप जो कलर यूज़ करना चाहें वो देख सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे अब हल्का लाइट ग्रीन लूँगी ताकि ये मिक्स हो सके। पहले हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेंगे और उसके बाद ग्रीन लेंगे, जिससे कि ये सारा मर्ज हो जाए। अगर आप नहीं चाहते तो वहाँ पे कुछ अलग पेंटिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थिक ब्रश ले रही हूँ अपनी और ऑरेंज कलर लेते हैं अपना, जो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मैंने ऑरेंज कलर लिया अपनी ब्रश में और उसको यहाँ पे हम ऑरेंज और येलो भी मिक्स कर सकते हैं आप, जिससे कि बिल्कुल हटके कलर ना लगे और उसी से मिक्स मैच होता रहे। देखिए, आप चाहें तो इसको स्पंज से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि जो हमारा टिश्यू पेपर है उसकी कॉर्नर्स अलग से ना दिखे कि हमें यहाँ पे इसको फिनिश किया है। नहीं, हमारा जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होना चाहिए। देखिए, और अब हम इसको मिक्स करते हुए यहाँ पे मैंने पूरा इसको स्पंज का यूज़ करेंगे तब भी सेम इफ़ेक्ट आएगा, तो आप वो भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो स्पंज यूज़ करना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और ज़्यादा इजी समझते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और अब हम जो सेंटर में है यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीनिश लुक दे रही हूँ। ये क्योंकि हमारे दोनों कलर इसमें मिक्स हो गए और ये मैंने यहाँ पे ग्रीन से इसको एक्रेलिक कलर्स हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमारा बेस जूट का है तो वो और इजी दे रहा है इसको मिक्स होने में, इस तरीके से। ओके, और अब हम यहाँ पे आप चाहें तो इसके ऊपर कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसी इमेज डाल सकते हैं या आउटलाइन डाल सकते हैं, जैसे किसी का फेस बना सकते हैं या कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू मेक अ फेस। और अब ये ड्राई हो चुका है, आप इसके सेंटर में कोई राइटिंग वर्क कर सकते हो और जैसे मैंने बताया किसी का फेस बना सकते हो। तो मैं आज यहाँ पे राइटिंग वर्क करने वाली हूँ और उससे पहले मैं अपने फ्लास्क की डेकोरेशन के लिए इस तरह के स्टोन वाली जो बिंदी होती है हमारे पास या कोई भी शाइनी वाली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने फ्लावर्स के सेंटर में लगा रही हूँ ये कुछ, जिससे कि वो और शाइन करेंगे। और यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ और इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर वार्निश कर सकते हैं, जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा, ये रिमूव नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। वाटर बेस्ड वार्निश भी आती है जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के मैं स्टोन्स इसमें लगा रही हूँ। अगर और इसके जो बेस पे मैं यहाँ कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ उसके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ कुछ जूट के रिंग्स। जूट रोप है मेरे पास तो उसको यूज़ करके मैं इसके रिंग्स लगाऊंगी यहाँ पे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने फ्लावर्स को और अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और अब मैं इसमें अपना राइटिंग करने वाली हूँ। राइटिंग के लिए मैं यहाँ वाइट एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, तो आप यहाँ पे अपने विश से कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे कलर की क्वांटिटी एक्स्ट्रा लग रही है, सोक कर रहा है मेरा कलर। तो अच्छे से विदाउट एनी वाटर थिक कलर लेंगे राइटिंग वर्क के लिए।
यहाँ पे मैंने लिखा है बी क्रिएटिव। ओके, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं इस पे। मैंने कलर में कोई वाटर मिक्स नहीं किया है, बिल्कुल थिक वाटर का ये कलर यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, डबल कोट किया है मैंने तभी ये इतना इफेक्ट आ रहा है, अदरवाइज़ ये सोक कर रहा है हमारे कलर को। मैंने 2 टाइम इसको कवर किया है। बी क्रिएटिव। ओके, जो और अब मैंने जो बताए थे आपको जूट रोप से रिंग, अब हम वो पेस्ट करेंगे जब तक हमारा ये ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जूट रोप से इस तरह के रिंग्स बनाए हैं और इनको मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ और हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ उसका यूज़ कीजिएगा, अकेले नहीं। इससे हमारा वर्क थोड़ा सा ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी से स्टिक कर देता है। तो इस तरह से मैं अपने ये रिंग्स बना के लगा रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं रिंग्स बनाने। ओके, इस तरह से मैं पूरी लाइन अपनी फिल कर दूँगी। जिस तरह से अपने जूट बैग पेंटिंग सीखी है वैसे ही हम अपने क्लोथ बैग पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस ये मेरे पास एक पुराना वाइट कलर का क्लोथ बैग है, बट ये बहुत ख़राब सा हो रहा है, इसलिए मैं इस पर सोच रही हूँ कि पेंटिंग कर दूँ जिससे थोड़ा सा ये यूज़ेबल हो जाए। तो इसके इसको पेंटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने इसके अंदर एक कार्डबोर्ड डाल दिया ताकि हम इसको इजीली कलर कर पाएँ और नीचे वाले पोर्शन पे इस पर कलर ना लगे। मैं यहाँ पर आपको पहले एक डिज़ाइन जो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे वॉली पेंटिंग बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आउटलाइन कुछ बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे वॉली पेंटिंग का डिज़ाइन चूज़ किया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, फिश अंडर वाटर सीन या फिर कोई बर्ड ट्रीज़, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये 2 लेडीज़ वर्क कर रही हैं अपने और इसी को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने वार्ली पेंटिंग की बेसिक आउटलाइंस यहाँ पे कर लिया और अब इसको हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे। मैंने इसकी ड्रेस के लिए पर्पल कलर बनाया है, तो मैं पहले पर्पल कलर से इसकी जो ड्रेस है उसको कलर करूँगी। और यहाँ पे अगर आप फैब्रिक कलर करते टाइम आपको चाहिए कि आप अपना कलर थोड़ा लिक्विड करना चाहते हैं तो आप इसमें वाटर मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें मीडियम आता है जिससे हम अपना एक्रेलिक कलर में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वो लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कलर को ही यूज़ कीजिए और इसमें वाटर मिक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। ओके, इस तरह से इसमें मैंने इनकी ड्रेसेस का कलर कंप्लीट कर लिया है और जो इनका बाकी आउटलाइंस है वो ब्लैक से होंगी। तो उससे पहले मैं ये बीच वाला पोर्शन कलर करती हूँ। इसमें मैं ऑलिव ग्रीन यूज़ करने वाली हूँ। दिस इज़ ऑलिव ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन। तो इसको मैं यहाँ पे पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हमें पूरे में ब्लैक से आउटलाइन देनी होगी ब्रश की हेल्प से। ये मैंने यहाँ पे ऑलिव ग्रीन वर्क स्टार्ट कर दिया है और बहुत इजी है पेंट करना। इसमें हमें कोई वाटर मिक्स नहीं करना, कुछ नहीं, और इजीली कलर हो जाता है।
और सेम प्रोसीजर हम जूट बैग पे यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम यूजेबल बना सकते हैं इसी तरीके से। ओके, इस तरीके से ये हमने कलर कंप्लीट कर लिया है। वॉर्ली पेंटिंग बहुत ही इजी है, और इसको करना और इसको कलर्स हमारे, मैंने प्लेन कलर्स लिए हैं इस पर, और अब हम करेंगे इनके हैट पे जो ब्लैक कलर है उसको कलर फिल करेंगे और इनके आउटलाइंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं ये कलर। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कोई भी पुराना बैग जिसका आप यूज़ करना आपने बंद कर दिया है, उसको भी आप दोबारा से पेंट करके रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं पेंटिंग करने के बाद हमारे जो भी हम बैग यूज़ करते हैं, तो और इजी पेंटिंग्स यूज़ करके हम उसको रीयूज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। ओके, और अब मैं इसमें ब्लैक की हेल्प से ही आउटलाइन कर रही हूँ इनके हैंड्स और जो भी है सभी को। मैं थोड़ा थिक आउटलाइन दे रही हूँ इस तरीके से, पूरे में मैं ब्लैक से आउटलाइन दे दूंगी। ओके, ऐसे ही मैं पूरे में अपना वर्क कर रही हूँ। इस पूरे को मैंने ब्लैक से आउटलाइन दे दी है और सेंटर में जो स्टिक बनाई थी उसको मैंने ब्राउन कलर दिया है, और अब हम इसमें वाइट से अपने कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। वाइट कलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन वर्क कंप्लीट हो गया हमारा, और अब हम अपने किसी पॉइंटेड ब्रश लेंगे और उससे हम अपना वाइट कलर के साथ इस पर डिज़ाइनिंग वर्क करेंगे। एक तो हम इनकी ज्वेलरी बना सकते हैं वाइट से। ये कलर हमारा ड्राई हो गया तो मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना वाइट कलर से डिज़ाइन। आप चाहे तो इनकी ड्रेसेस पे पैटर्न्स बना सकते हैं अलग अलग, और यहाँ पे मैं ज्वेलरी लुक दे रही हूँ इनको इस तरीके से। ये देखिए, पूरे में मैंने इसको अलग से डिज़ाइन दे दिया। ऐसे ही सेम मैं इनको इनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे
आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। हमारा बेस भी वाइट है तो उसके साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आप चाहें तो इनकी ड्रेसेस पे पैटर्न्स बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वाइट नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारा पूरा बैग ही वाइट कलर का है, तो इसमें मैं कुछ थोड़े बहुत पैटर्न्स ही बना रही हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड कोई और कलर का है, डार्क कलर का है, तो तब आप इस पर बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, वाइट यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास डार्क कलर से मैंने इसमें कलरिंग किया है तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी पैटर्न्स के लिए यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ बहुत कम डिज़ाइंस बना रही हूँ। इस तरफ आप चाहें जैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस सिंपल सी टेक्निक के साथ हमारा ये बैग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देखिए इसको। और अब हम इस बैग को यूज़ बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मन करेगा। अब ये बहुत फिर से एक न्यू लुक दे रहा है आपको। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और आपको मैं दिखाती हूँ जिस तरह से हमने लाइट पे वाइट कलर के ऊपर डार्क कलर से पेंटिंग की है, इसी तरीके से मैंने एक और बैग पे जो डार्क कलर का था मेरे पास उस पर मैंने लाइट कलर्स यूज़ करके एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया, एक यूनिकॉर्न बनाया। और इस तरह से मैंने ये फैब्रिक बैग भी यूज़ पेंटिंग किए हैं। और इसी तरह से मैंने एक जूट बैग भी जो हमने रेडी किया था इस पर मैंने ये स्टोन्स पेस्ट कर दिए हैं। हॉट ग्लू गन से जो हम पेस्ट कर देते तो बहुत जल्दी इजीली निकलते नहीं हैं, बहुत फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बैग बिल्कुल एक अट्रैक्टिव वे में रेडी हो गया। जो हमने एक वेस्ट में रख दिया था कि अब हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए, बहुत इजी है करना। तो आई होप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।